हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी सब भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप देख सके। मैं हूं आपका भाई हमजा और मैं करता हूं आज की वीडियो आपके लिए शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। और यार नीचे बैठा हूं, इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा धूप है, मेरी तो गांठ फट गई है पीछे से। आज का मौसम आपको बताता हूँ कि मास्टर सिटी का मौसम आज ऐसे है, कल से भी ज्यादा तपश पड़ रही है। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी, ओह तोबा तोबा तोबा, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, इतनी ज्यादा गर्मी। 2 मिनट नीचे सिर्फ बैठा था और मेरी पीछे से चाटी भारी हो गई है, गर्म हो गए। आपको धूप दिखाता हूँ, कितनी ज्यादा धूप है, चेक करो ये आप। वो यार ये ना सामने मिस्त्री मजदूर लगे हैं, मैं कह रहा हूँ इनकी हिम्मत है कि इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं मजदूरी का, ठीक है ना। और वो लेंटर पड़ रहा है, ओहो, मैं कह रहा हूँ पता नहीं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका दिल क्यों नहीं घबराता यार। देखो देखो ये देखो, सामने आपको कहीं नज़र आ रहा होगा, अभी नज़दीक जाके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी देर तक वो काम कर रहे हैं। ओहो यार यकीन मारो मुझसे तो कुछ नहीं होगा इतनी गर्मी। अरे कहना क्या चाहते हो? दरमान भी धूप में बाहर काम कर रहा है जी, इसको तो जब भी मैं देखूं तो बाहर से गराज ही धोता रहता है, मतलब के रोड यार, वो थड़ी जो जिसको थड़ी कहते हैं। आज ही उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि इतनी गर्मी नहीं लगती। आज वो है, ये मेरा दोस्त सुभान का घर है, मेरे जानी जिगर का, ये वाला, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ मोहित लोगों के घर के पास, क्योंकि अब्दुलरहमान वहीं रहता है, सर में परना रख लेता है और काम करता रहता है। यार यही तो मेहनती बंदे हैं, अल्लाह इनको ज़्यादा दे, अल्लाह इनको ज़्यादा दे, अल्लाह इनको अपना कारोबार दे। अब्दुलरहमान शाबाश बेटा। सलाम वालेकुम, सलूट अभी नजदीक, चलो आप कराओ। आए तेरे सलूट तो मैं सदके जावा, सदके। अस्सलाम वालेकुम अब्दुलरहमान, क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान यार जब भी तुम्हें देखता हूँ ये तुम्हें मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गई है। प्यार की वजह हाँ से ये तो बात है। प्यार ना होता कहाँ मोहित और हमजा वेले, सोते हैं यार। अभी सोए हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, उठ जाएंगे, उठ जाएंगे। हाँ, और सब उन्होंने उन्होंने कौन सा कुछ करना होता है, कोई काम शाम करना हो तो वो उठे ना, तो उठे ना। वेले? वेले, वेले कोई बात नहीं, अल्लाह उनको ज्यादा दे, उनसे एक प्यार है मोहब्बत है, वो अपने जिगरी दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज्यादा से ज्यादा रिज़्क दे इंशाल्लाह, आमीन। और तुम सुनाओ बिलाल किधर है? वो अभी क्या है, नाश्ता कर रहा है। अच्छा, तो तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने नाश्ता किया। यार मेरी बात सुनो, अगर किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो उसी टाइम बताना, ठीक है? तुमने तुमने मुझे ऐसे ही समझना है कि जैसे मोहित और हमजा तुम्हें है, वैसे मतलब कि मैं जो जगह वो रखते हैं वो नहीं, मैं भाइयों की जगह, ठीक है ना। हाँ तो अगर कुछ बाहर से खाने को दिल किया, अगर कोई ऐसा प्लान बना, अगर कोई पार्टी शार्टी करने का दिल भी किया ना, तो भाई को कहना प्रोग्राम रख लूंगा, ठीक है ना। किसी दिन कर लेंगे प्रोग्राम। हाँ जरूर जरूर जरूर, मतलब कि गपशप लगाएंगे, मुझे हाँ ठीक है। इंशाल्लाह इसके इंशाल्लाह, अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत हाँ शुक्रिया, हाँ आप लोगों का इंशाल्लाह। बड़ा पल है। अच्छा अब्दुलरहमान मुझे ये बताओ, आपका पीछे बैकग्राउंड ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। हाँ अल्लाह उनको भी तंदुरुस्त रखे, सेहत आमीन। दे, लम्बी जिंदगी दे। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यार बड़ा पल
इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मोहब्बत ऐसे रखे, प्यार ऐसे ही रखे, इंशाल्लाह ऐसे ही प्यार करता रहूंगा आपसे। और यार गर्मी बहुत है, जल्दी से ये ख़त्म करके अंदर जाओ। अच्छा अच्छा गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी अंदर चला जाओ, ठीक है ना? हाँ लो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक। तो जी हमने इब्तरमान से भी मिल लिया, अब हम जाएंगे घर की तरफ क्योंकि गर्मी बहुत है, कुछ खाना बनाना है, नाश्ता करना है। नो गॉड प्लीज नो 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 नो। 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक आपके भाई ने नाश्ता नहीं किया है, बने नहीं, सोए थे सारे, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं जा रहा हूँ गेट पर आंटी कपड़े इस्त्री करने वाली को लेने, तो आजे गेट पर चलते हैं और आंटी को लेके घर आते हैं, ठीक है? क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो आएंगी और प्रेस करेंगी सारे। गेट से अभी आंटी को लेके आया हूँ कि नाश्ता तैयार। मजा आ गया नाश्ता करने का, आज तो आया दही था साथ में, लोबिया था साथ में, परोठा पका हुआ था, आया साथ में पानी ठंडा, आया लव यू यार, नाश्ता करने का आज तो मजा अच्छा सा आ गया। ओह माय गॉड वाओ, गर्मी इतनी गर्मी, उफ अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं अंदर कर रहा था रेस्ट, रेस्ट करके मैं थोड़ा सा रेस्ट किया है, उठा हूँ, थोड़ा सा मौसम हल्का हुआ है, मतलब कि धूप कम हुई है थोड़ी सी, तो छांव पड़ी है। फिर मैं दाऊद को और सुलेमान को सपारा पढ़ने उतार के आया हूँ मस्जिद में, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, बच्चे हैं, पैदल जाया नहीं जाता उनसे, इसलिए मैं बाइक पर गया था, उनको उतार के आया हूँ। तो मैं अभी अंदर जाऊंगा, कुछ खाने पीने का सोचूंगा, खा पी के फिर बाहर आऊंगा, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर देखेंगे क्या करना है। तो आज करेंगे हम सुभान को भी फ़ोन, इंशाल्लाह करेंगे, और अब्दुल्ला स्टोर से थोड़ा सा सामान लाना है, वो भी लेके आएंगे थोड़ी देर तक। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, तो कुछ खाने पीने का सोचता हूँ, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मिलते हैं। आगे भी मैंने खाया था वो तलहा भाई लेके आया था तले नान, तो वो थोड़ा सा खाया था, उसके साथ चिकंजवी पी थी जैम मिश्री डाल के, तो बहुत मज़ा आया था। तो अभी भी अंदर जाता हूँ, कुछ खाने पीने का सोचता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी सो के उठा हूँ तो खाना शाना खाया है, बिरयानी पकी हुई थी, अचारी बिरयानी, साथ में चिकन भी डला हुआ था, खाया बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो अभी बाहर आके मैं बैठा हूँ, तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे भी इतनी गर्मी है कि मैं दीवार के साथ टेक लगा के बैठा हुआ हूँ और ऐसे जैसे आग निकल रही है दीवार से, ठीक है जी, दीवार से आग निकल रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अली सुभान को कॉल से करते हैं बात। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुभान, तुम सुनाओ ठीक हो? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना यार सुभान, तेन मेरी याद नहीं आती? आती है, मैं आया हूँ, आता हूँ आज तेरे पास। किधर आया है तुम? गुजरांवाला आया हूँ। हैं वाकई? आते बड़ी खुशी दी गल है, फिर छेती आ फिर मेनू मिल। चलो ठीक, आता हूँ। और चल ठीक है, ओके अल्लाह। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। मैं फ्री बैठा हुआ था, बिल्कुल फ्री है, जेन में सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या काम करूं, अचानक से जेन में आया कि स्कूटी तो बाहर घड़िया चलाता तो उसको मैं हूँ, क्यों ना उसको साफ किया जाए। फिर मैंने गिली टाकी की और मैंने अपनी सारी स्कूटी को साफ किया, लश तो पश, ये चेक करें कैसे लश पश कर रही है, ठीक है? पहले मैंने इसके ये मिरर चमकाए, चेक करें,
ठीक है जी, फिर मैंने इसका मीटर चमकाया, फिर मैं आ गया आगे, इसके जो मीटर के आगे शीशा लगा हुआ है, फिर मैंने इसको लश पश चमकाया, फिर मैंने इसकी सीट पे कपड़ा लगाया, ये देखे सीट भी बिल्कुल साफ़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं इस तरफ आया, इधर मैंने कपड़ा लगाया, ये चेक करें किधर दूर है, नहीं ना है। फिर मैं उधर से इधर साइड पे आ गया, फिर मैंने ये साइड साफ़ की, करते 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 ये वाली साइड भी साफ़ की, फिर मैं आ गया अगले टायर की तरफ, फिर मैंने किया इसका आगे वाला टायर जो सा ऊपर ये बम्पर लगा हुआ है ये साफ़ किया, फिर मैंने इसकी हेडलाइट साफ़ की, फिर मैंने इसको सामने से फ्रंट साइड इसकी साफ़ की सारी, ये देखें कैसे लश्कारे चमके धमके मार रही है, आहा मज़े मज़े, चेक करें ये बब्बर शेर है, ठीक है। फिर मैं इसके बैक साइड पे आ गया, फिर मैंने इसका बैक बम्पर चमकाया और सीट चमक बैक वो जौन सा सीट टेक लगी हुई है वो उसको टाकी शाकी मारी, चेक करें कैसे लश्कारे मार रही है, है। यार देखें गाड़ी साफ़ सुथरी हो चलाने का तो मज़ा ही अपना है ना, चलाने का मज़ा बहुत आता है, अगर गाड़ी गंदी हो तो ऊपर तो बैठने को दिल नहीं करता। तो अब मैंने गाड़ी ये स्कूटी साफ़ की है, तो अब मुझे मेरा भतीजा ये सुलेमान मुझे कह रहा है कि चाचू चलो पार्क चलते हैं, तो अब मैं इसको ले कर पार्क की तरफ जा रहा हूँ। मैं सुलेमान को लेके गया हुआ था पार्क, पार्क दिखा के लाए हैं, उधर कुछ भी नहीं है, तीन चार कपल बैठे हुए हैं जो कि यस कमांडो कर रहे हैं, तो मैंने कहा किसी को छेड़ना गया बैठ के, हम चलते हैं घर की तरफ, तरले कर कर के उसको घर ले गया आया, क्योंकि वो घर आ नहीं था रहा, कह रहा था चाचू मैंने इधर बैठना है, झूले लेने ऐसे करना वैसे करना, मैंने कहा चल यार घर चले, इधर बैठने का फ़ायदा गर्मी में, तो उसको तरले कर करके घर लेके आया हूँ। तो अभी बैठा हूँ इधर आके मैं बाहर अपने गेट के पास, तो अभी थोड़ी देर तक आएगा सुभान, फिर हम मिलेंगे उससे। और ये हैं अब तीनों भाई मेरे भतीजे, जो के दाऊद के पीछे दो बैठे हुए हैं और दाऊद खुद बाइक चला रहा है, ये हैं। हेलो करो, ओके, गजब बेइज्जती है। हमारी सुभान से भी मुलाकात हो गई, तो इंशाल्लाह आपको भी मिलाएंगे कल की वीडियो में, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको कल की वीडियो में, अपना ढेरों सा ध्यान रखिएगा और अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, लव यू, बाय बाय।